नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो जी न्यूज़ पोर्टल लाइव प्रसारण नादौती से। एसडीएम साहब, वीडियो साहब, शर्मा टी स्टॉल पर कार्रवाई करते हो, इसको सील करते हुए आप देख सकते हो। सील करने की कार्रवाई करते हैं। एसडीएम साहब से बात। सर, लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हो कोरोना गाइडलाइन के मामले में? कोरोना गाइडलाइन का सभी लोगों को पालन करना चाहिए। जो लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, सीज भी कर दुकानें सीज कर रहे हैं। घोड़ा चंद जी में भी आज दुकान सीज की है और पेनल्टी भी, उनके चालान भी काट रहे हैं, मास्क की चालान काट रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का भी चालान काट रहे हैं। आप देख सकते हो। वीडियो साहब, आप क्या कहना चाहते हो? मेरा सभी लोगों से ये कहना है कि कोविड की महामारी से बचाव के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें और जो भी सरकार के निर्देश हैं उस हिसाब से नो मास्क नो मूवमेंट की पालना करें ताकि इस महामारी से बचा जा सके। ये थे एसडीएम साहब नादौती, वीडियो साहब नादौती। सर, आप भी बताइए। मैं तो लोगों से यही अपील करूंगा कि आप अपने घरों से बाहर ना निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकार की गाइडलाइन उसका उसके अनुसार काम करें और अपने घरों के अंदर रहें, स्वस्थ रहें, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहने। देख सकते हो पुलिस के आला अधिकारी। धनदार जी, आप भी बताइए लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? ये जो महामारी है उसको मद्देनजर रखते हुए कोरोना गाइडलाइनों का पालन करें। जिन लोगों द्वारा पालना नहीं की जा रही है उनके खिलाफ सोशल डिस्टेंस मास्क की कार्रवाई की जा रही है। श्रीमान एसडीएम साहब द्वारा भी अभी बताया गया कि कई दुकानों को सील किया गया है और लगातार प्रक्रिया जारी रहेगी। आप देख सकते हो। आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल, राजेश कुमार अवस्थी के साथ नादौती।